प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की एक युवती जूही सिंह उम्र करीब 20 वर्ष की किडनी खराब होने के चलते वे डायलिसिस पर है। परिजनों का कहना है कि वे पिछले 5 माह से स्थानीय विधायक पीएमओ ऑफिस तक गए लेकिन उनकी वहां कोई मदद नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को भी इलाज के खर्चे का ब्यौरा भेजा लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की गई। जूही को हफ्ते में अब 3 बार डायलिसिस जिसका खर्चा दवाई को छोड़कर 15,000 रुपए आता है जिसको स्थानीय लोग समाज सेवी संस्था द्वारा कराया जा रहा है। ऐसे में जूही व उसके परिजनों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से उसके जीवन की रक्षा की गुहार लगाई है। जूही कहती है कि बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री ही अब उसको जीवन दान दे सकते हैं। जूही सिंह है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मेरा दोनों किडनी खराब है, मैं 3 महीने से डायलिसिस पे हूँ और मुझे अब तक गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं मिली है। और पीएम ने बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें शुरुआत की हैं पर मेरे लिए अभी तक कुछ भी सहायता नहीं की गई है। मैं चाहती हूँ कि आप सबकी मदद से मुझे आर्थिक मदद मिले ताकि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो सके। मेरे फादर मुझे किडनी देने के लिए तैयार हैं और अगर आपको ज़्यादा जानकारी। अब आपका न्यूज़ फ्रीडम चैनल कभी भी कहीं भी देश विदेश में बिजनौर व उत्तर प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर लॉगिन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ फ्रीडम चैनल और बने रहिए हमारे साथ अपने क्षेत्र की खबरों के लिए।